हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, अभी मैं हूँ सार संसार एक मुनस्यार में दगड़ियों। जी हाँ, मुनस्यारी के लिए बहुत ही फेमस कहावत है और कई वर्षों से चली आ रही है कि सार संसार एक मुनस्यार, मतलब सारे संसार की छटा एक तरफ, अपने मुनस्यारी की झलक एक तरफ। और सच में बहुत खूबसूरत है दगड़ियों, लेकिन क्या करें, दो बजर पड़ रखा है जब से मैं यहाँ आया हूँ दगड़ियों, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब हॉल ही हॉल हो रखा है ना। पता नहीं ये हमारा प्लान चौपट ना कर दे कहीं। आज तो वैसे मैं मुनस्यारी में हूँ दगड़ियों, आज मुझे इनर लाइन पास बनाना है। वो पास क्यों बनाना पड़ता है उसके बारे में मेरे को अभी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। मैं जब तहसील में उसको बनाने जाऊंगा तो वहां पूछूंगा, फिर आपको भी बता दूंगा। मेरे को लग रहा है आज दिन भर ही बारिश है दगड़ियों, आज सुबह से बारिश लग रही है यहाँ पे। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इस बारिश के बीच में मैं चाहा कि घुटू मार रहा हूँ दगड़ियों। ताऊ जी, कदू उम्र है तुम्हार? 86। 86 साल? फिर आज जाने ला बहुत एक्टिव साहब है। आप कभी अपनी जवानी में मिलम गए? क्यों नहीं। अच्छा, बिल्जू हमारा गांव हुआ। बिजलू? बिल्जू। बिल्जू मिलम से थोड़ा पीछे। अच्छा, आप कितने साल तक रहे वहाँ? मतलब बहुत साल। अच्छा, पूरा मौसा जाने वाला हुआ। हाँ, गर्मियों में। गर्मियों में और जाड़े में नीचे आ जाने वाले। में नीचे यहाँ। उसमें क्या क्या व्यापार हुआ करता था ताऊ जी, जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था? तिब्बत के साथ जो शेठ लोग हुए, हाँ, वो तो हीरा मोती, हाँ, और कपड़ा, हाँ, उसका व्यापार करते हैं। अच्छा, जो मध्यम वर्ग के हुए, हाँ, वो जैसे गुड़ की ढेली है, हाँ, और अनाज। अच्छा, जो हाँ, जो हुआ, हाँ, बोलते थे, वो इकट्ठा करके, हाँ, तिब्बत ले जाते थे। वहाँ ले जाते थे। दो ट्रिप लगता था बकरियों का। अच्छा, घोड़ों का। अच्छा, दो ट्रिप में वहाँ गए, उनको बाटर सिस्टम हुआ। अच्छा, जैसे हमने उनको अनाज दे दिया, उन्होंने हमें नमक दे दिया। अच्छा, ऊन दे दिया। तो वही उसी से चलता है। अब वहाँ से आए तो सीधे बकरियों में नमक लाते, आपका गरुड़ तक, सोमेश्वर तक नमक का व्यापार होता था। व्यापार उनको देते थे, वहाँ से वो अनाज लाए। अनाज लाए, इकट्ठा किया, हाँ। फिर आस्ते आस्ते पहुँचाया बिल्जू। बिल्जू, क्योंकि बिल्जू में गेहूं ये अनाज वगैरह नहीं होता। नहीं होता। 81 साल की उम्र में खुद से यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, और चाय वाय बनाते हैं और इस लॉज की पूरी देखभाल करते हैं। टाइम पास करने के लिए, ये देखो, घर से मैं किताब लाना भूल गया था, तो कल मैं रिंकू दा के वहां गया था ना, तो वहां से मैं एक किताब उठा के लाया, पत्थर और पानी। ये बेसिकली एक यात्रा संस्मरण है जोहार वैली का। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी यात्रा पे जाऊं तो वहां पे डायरी लिखूं, क्योंकि ब्लॉग में आप हर एक चीज कवर नहीं कर सकते, और आप ब्लॉग में सिर्फ बाहर बाहर की चीजें कवर कर सकते हो, ठीक है, वो भी 10-12 मिनट में कितना ही कवर कर लोगे। लेकिन डायरी में ऐसा होता है दोस्तों, जो आप दिल से महसूस कर रहे हो इस जगह के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, उसे आप नोट कर सकते हो और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्या पता यूट्यूब बंद हो जाए या मेरा चैनल हैक हो जाए, वो डेटा उड़ जाए, लेकिन डायरी अपने पास रहेगी दगड़ियों। तो वो एक, अगर आज से 10 साल बाद आप उस यात्रा के बारे में पढ़ेंगे या फिर से 10 साल बाद जाएंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे, यार उस टाइम पे ऐसा था, अब ऐसा है, समझ रहे हो। तो डायरी लिखना बहुत जरूरी है, और ये हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो लिखना और पढ़ना भूल गई है। वो सिर्फ पढ़ने के नाम पे आर्टिकल पढ़ती है, देखने के नाम पे सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख लेती है किसी के बारे में, लेकिन अगर आप लिखोगे पढ़ोगे नहीं ना, तो आपकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाएगी। जब कल मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको चटाई सोचा दगड़ियों, मैंने सोचा हाथकुट पोछने वाली मैट है करके, लेकिन ये मैट नहीं है, ये एक टाइल है दगड़ियों, थोड़ा जर्जरी टाइप की है। तो इसका यूज पता नहीं हाथकुट पोछने के लिए होता है कि किस लिए होता है। तो गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और तहसील खुलने का टाइम हो गया है, पता नहीं तहसीलदार साहब के आने का टाइम हुआ है नहीं हुआ है, तो वही जाके पता चलेगा। तो फिलहाल कम्मू भाई मुझे लेने के लिए आ गए हैं दगड़ियों, और बाहर हो रही है बारिश, तो इस वजह से मैंने ये रेनकोट पहन लिया है दगड़ियों। सो गाइस, भिजते भिजाते तहसील का काम करके आ गए। काम क्या काम, मतलब हमको जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों इनर लाइन परमिट बनाने की। तो हमने वहाँ पे पूछा, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ के लोकल्स हैं और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो मूल निवासी हैं, उनको
पास बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन पास इसलिए बनाया जाता है ताकि एक तो ये होता है कि सिक्योरिटी पर्पस है, जैसे कि अगर कोई फॉरेन से कोई बंदा आ रहा है या कोई अदर स्टेट से बंदा आ रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई जासूस हो, क्योंकि बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ से चाइना बॉर्डर लग जाता है दोस्तों। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इनर लाइन पास जारी किए जाते हैं, उस मतलब उसकी प्रमाणिकता चेक करने के लिए कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, सही बंदा है, इसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है रिकॉर्ड। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये होता है कि भाई देखो दुर्गम इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई आपदा आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, उसमें कोई दब गया, मर गया या घायल हो गया, तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इतने बंदे गए थे और इतने बंदे वापस आए, तो दूसरा वो बंदा कहाँ है। तो वो रिकॉर्ड अगर उनके पास होगा तो रेस्क्यू करने के लिए उनको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है इनर लाइन पास जारी करने का। तो इंडिया में जहां जहां भी बॉर्डर के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप या यहां चले जाओ, तो वहां पे इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। सो गाइस, अभी हम आए हैं अल्पाइन ग्लो कैफे में। आज सुबह से पीना 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 ही हो रहा है दगड़ियों, तो अभी हमने कॉफी पी है जस्ट। और ये है हमारे दादा, आपका नाम विक्रम। तो ये विक्रम दादा, इन्होंने हमको आज एक जबरदस्त कॉफी पिलाई दगड़ियों। ये पूरा थीम बेस्ड कैफे है दगड़ियों, इसमें आपको मुनशारी वाला फील आएगा। और ये जो पेंटिंग इसमें कर रखी है ना दगड़ियों, ये भी रिंकू दा ने कर रखी है। शुरू शुरू में जब मैंने एंटर किया, मैंने सोचा ये कि लकड़ी का ही मतलब ओरिजिनल द्वार है घर के, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी पेंटिंग कर रखी है, इसको लुक ऐसा दे रखा है जैसे कि बाखली का कोई दरवाजा होगा। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, ये हमारे साथ फोटो खिंचाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ कि आ जाओ खींच लो मेरे साथ फोटो। नाम क्या है भाई आपका? तो ये हेम भाई है हमारे, अब भी आओ दादा, शर्मा क्यों क्यों लिचारे शर्माण है। नाम क्या है? पंकज। ये पंकज, ये पंकज भाई है, ये हेम भाई है और इसी कैफे में काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग में आने के लिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं इस क्राफ्ट को सेल कर रहे हैं। हाँ, ये वो तो नहीं है, मोस्टा है। मोस्टा है और वो बना रखे हैं हमने, इसलिए दिखाया है कि हमारे यहाँ का क्राफ्ट ऐसा होता है। हाँ, इस तरीके से जब उतरानी का मेला लगता है, हाँ, तो उसमें बेचने जाते हैं, क्राफ्ट बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। वाह वाह। इसी प्रकार से ये थीम है कि हमने यहाँ की लोकल महिलाओं को डेडिकेट किया है, हमारे कल्चर को डेडिकेट किया है, जिसमें दो कल्चर है, सोका और रंग। ये सोका कल्चर की वेशभूषा है और ये है रंग कल्चर। अच्छा। धारचूला के अंदर होता है, साथ में मतलब हमने ऊपर पताके लगा रखे हैं। हाँ। ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल है। हाँ। हमारे घर शादी ब्याह में लगाया जाता है, जब काज होता है। हाँ। कोई अच्छा काज होता है तो सबसे पहले हमें पताके ही लगाने, पताके लगाए। और कई लोगों का मतलब कहना भी है कि जो जिनकी शादी नहीं होती है वही लोग घर को सजाते भी हैं और उन्हीं का मतलब दायित्व भी बनता है। तो रिंकू दा की अभी शादी नहीं हुई है ना? ना ना। तो अगर आपका कभी भी मुनशारी की तरफ को आना हो तो लोकेशन बता देता था कहाँ पे? ये नियर टैक्सी स्टैंड बाजार रोड। हाँ, तो टैक्सी स्टैंड के पास में अल्पाइन ग्लो करके कैफे, ये दादा यहाँ के ओनर हैं। तो एक बार जरूर चाय और कॉफी पीने अपने दोस्तों के साथ जरूर आए, या अपनी घरवाली अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए और यहाँ पे कॉफी का आनंद उठाए दगड़ियों। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हरकोट फॉल, हरकोट झरना, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ रोड ड्राइविंग हो रही है हमारी, ठीक है। और हम बहुत ही हैवी ड्राइवर है हमारे कम्मूदा, और पूरा हॉल लगा हुआ है दगड़ियों। हॉल नहीं लगा होता तो तुम्हें क्या व्यू दिखता है यहाँ से, मस्त बिल्कुल। तू ब्यो मत डाल देना यार और जो कर रहा हूँ भाई। सो गाइज हम हरकोट फॉल से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, थोड़ी देर में आपको हरकोट फॉल के दर्शन होंगे दगड़ियों। और किस्मत अच्छी है हमारी, बारिश भी रुक गई है, ठीक है, वरना बहुत खतरनाक जगह दगड़ियों। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की पूरी पूरी संभावना है, ये बहुत ही कच्ची चट्टाने है दगड़ियों, यहाँ से कभी भी भक करके नीचे आ सकता है पूरा मलबा। फिर भी रिस्क, इतना रिस्क तो लाइफ में उठाना ही पड़ता है। तो कम्मूदा हमारे साथ है, ठीक है, जब से ये खलिया वाले व्लॉग में आए हैं तब से ये इंटरनेशनल गाइड बन चुके हैं दगड़ियों, बहुत जल्दी सरकार इनको सम्मानित भी करने वाली है। तो नहीं, नॉलेज है भाई के पास, ऐसी बात नहीं, नॉलेज है, ठीक है। तो जब आपके साथ ऐसे बंदे हो ना तो ट्रैवल करने में और ऐसी जगहों पे जाने में मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपका मकसद सिर्फ फन करना ही नहीं होता, मतलब कुछ सीख भी सकते हो आप साथ साथ में। धीरे धीरे धीरे।